पंजाब में बीजेपी के 8 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल। कैप्टन अमरिंदर भी करेंगे घर वापसी। सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाना पड़ा महंगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करने के इरादे से बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला था। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि बीजेपी का यह दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। पार्टी में उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। एक दिन पहले एक साथ 8 नेताओं के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने से इस बात को बल मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी से 8 वरिष्ठ नेताओं का जाना बीजेपी के लिए झटका है। पंजाब में बीजेपी में मचे बवाल की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किन नेताओं ने छोड़ी बीजेपी? विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के दामन थामने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़, पूर्व विधायक राजकुमार वीरका, मोहिंदर रेणवा, हंसराज जोशन, जीत मोहिंदर सिद्धू, कमलजीत ढिल्लो, अमरीक सिंह ढिल्लो ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन नेताओं ने पार्टी से जाते हुए पार्टी में भेदभाव और जात पात का आरोप लगाया है। जाखड़ को अध्यक्ष बनाने के बाद से शुरू हुई बगावत। सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाने के बाद से पार्टी में बगावत नजर आई। पंजाब बीजेपी ने कुछ दिन पहले पंजाब में नई कार्यकारिणी गठित की थी, इसका भी विरोध हुआ। वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि इस नई कार्यकारिणी में कुछ पार्टी नेताओं को छोड़कर कांग्रेस से आए लोगों को शामिल किया गया है, जो बाहर से आ रहे बीजेपी की सीट पर कब्जा कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर भी करेंगे घर वापसी। बीजेपी छोड़कर जाने वाले 8 नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के बताए जा रहे हैं। तो क्या अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी घर वापसी करने वाले हैं? राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं होने लगी हैं। पिछले महीने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। आसान नहीं जाखड़ की राह। कांग्रेस से आकर भाजपा की कमान संभालने वाले जाखड़ के लिए पहले ही बहुत बड़ी चुनौती थी, और अब 8 नेताओं की पार्टी छोड़ने से ये और बढ़ गई है। मालवा पंजाब का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है। यहाँ पर 67 विधानसभा क्षेत्र हैं। जाखड़ भी मालवा से हैं। बीजेपी ने जाखड़ को प्रधान बनाकर पंजाब में मालवा में अपना परचम लहराने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं लग रहा और निश्चित रूप से बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी।